हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज तनवीर फ्रॉम वी गॉट टू एसेसरीज वाशी नवी मुंबई। क्रेटा 2021 फ्रॉम हैदराबाद गेट्स द मॉडल बनने आई हुई है और आज तो मैं दिल से बोलना चाहूंगा द बेस्ट एवर मॉडिफाइड क्रेटा फ्रॉम वी गॉट टू एसेसरीज वाशी। ये कार में जो अल्टीमेट एसेसरीज हमने फिट की हुई है मैं बोल नहीं सकता हूँ दोस्तों। आज तो आज कमेंट पे कमेंट करके बताना कि किस तरीके से मैंने काम किया हुआ है। फ्रंट लुक ऑफ द कार कोई नहीं जज कर सकता है, ये क्रेटा ई वेरिएंट है। साइड प्रोफाइल ऑफ द कार नो वन कैन जज कि ये क्रेटा ई वेरिएंट है। रियर प्रोफाइल ऑफ द कार नो वन कैन जज ये क्रेटा ई वेरिएंट है दोस्तों। फ्रंट साइड बैक दिस इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन। जिस लेवल का हमने ये कार में अल्टीमेट एसेसरीज फिट की हुई है आप भी बोलेंगे दोस्तों दिल जीत लिया, ये बार आप क्रेटा ई वेरिएंट ही कार लेंगे और उसके बाद वी गॉटो एसेसरीज में आप आएंगे। द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार में हमने साइड की स्किड प्लेट्स इंस्टॉल की हुई है, लेकिन एक साइड की जो गन मेटल की स्किड प्लेट्स इंस्टॉल करने के बाद द लुक ऑफ द कार टोटली चेंज हो जाता है। रियर प्रोफाइल, रियर वाइपर आप देख सकते हैं अल्टीमेट एंड परफेक्टली 100% परफेक्शन के साथ हमने इंस्टॉल किया हुआ है। इंटीरियर में दोस्तों क्या कुछ नहीं है लग्जरी कॉन्सेप्ट के लिए। 60-40 सीट विद द एडजस्टेबल हेडरेस्ट विद द आर्मरेस्ट, रियर यूएसबी चार्जर, द ग्रैब हैंडल्स विद द रीडिंग लाइट, रियर कर्टन्स जो टॉप वेरियंट के आते हैं। लग्जरी कॉन्सेप्ट के लिए हमने कोई भी कमी नहीं रखी हुई है दोस्तों। ये सीट नहीं है, ये फील है लग्जरी का। जो इसकी रेकलाइनर आती है, जो इसकी फिटमेंट है ना दोस्तों, आप वाकई एक ई वेरिएंट की सीट पे इतनी कार हमने एसेसरीज फिट की हुई है, लेकिन एक सीट लगाने से एक लेवल अलग ही है। जो मुझे कंफर्टेबल चाहिए, जो मुझे रेकलाइनर चाहिए, ये सीट्स में मुझे मिलता है, वो रेगुलर ई की सीट्स में नहीं मिलता है। ये सीट के मैं फिर से बोलना चाहूँगा चार फायदे हैं। सबसे पहला,
मुझे आमरेस्ट मिलता है। और आमरेस्ट भी है ना दोस्तों, कोई आफ्टर मार्केट नहीं है, इसकी फिटमेंट फिनिशिंग आप देख सकते हैं, 60-40 सीट्स मिलती है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, एंड फॉर द यूटिलिटी मैं सामान भी रख सकता हूं और मैं बैठ भी सकता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं सीट कवर की फिटमेंट भी आप देख सकते हैं, मैं बैठा भी हूं, आर्मरेस्ट भी यूज कर सकता हूं और कुछ सामान वगैरह भी आता है तो मैं 60-40 इसे यूज कर सकता हूं। रियर के कर्टन्स लग्जरी का लेवल आप देख सकते हैं, धूप का टाइम है लेकिन एक कर्टन लगाने से लुक तो आता है दोस्तों, लेकिन जो धूप वगैरह के लिए हम खास करके यूज करते हैं आप देख सकते हैं। और जो गैलेक्सी ब्लैक हमने किट जो सेंटर ऑफ द ट्रिम्स में लगाई है, अब मैं बोल सकता हूँ कि सिल्वर हैंडल का मज़ा कुछ अलग है दोस्तों। इसके साथ आज मैं बोलता हूँ दोस्तों, आज कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए कि किस लेवल का हमने मॉडिफिकेशन किया हुआ है। बैक प्रोफाइल में रियर वाइपर हमने इंस्टॉल किया है, रियर वाइपर भी 100% परफेक्शन के साथ वर्क होता है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। रियर की स्किड प्लेट ट्रियो टेल लाइट्स, वाइपर लगा दिया, स्किड प्लेट्स लगा दी, ट्रियो टेल लाइट्स लगा दी दोस्तों। अब मुझे बताइए कहां से लग रही है क्रेटा ई वेरिएंट कार, और परफेक्टली वाटर फ्लो आप देख सकते हैं, परफेक्टली पूरा वर्क हो रहा है, एक एक आप देख सकते हैं द वाटर प्रो के जो वॉशर्स भी हमने परफेक्टली पूरे फिट किए हुए हैं। इसकी जो वर्किंग है, इसका प्रोसेस है, परफेक्टली फॉलो करके हमने रियर वाइपर इंस्टॉल किया हुआ है। द फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार में टॉप मॉडल का लुक चाहिए तो ट्रियो हेडलाइट दोस्तों, इसकी जो DRLs है, डे टाइम का टाइम हो या नाइट का, जो DRLs है इसकी काफ़ी पावरफुल है। ग्रिल रिप्लेस की हुई है हमने, फ्रंट की स्किड प्लेट डिफ्यूज़र वगैरह के कॉन्सेप्ट ये कार में हमने किए नहीं है दोस्तों। अगर आपको एक जेन्यून सजेशन चाहिए, स्किड प्लेट है, डिफ्यूज़र्स भी हम रोज़ लगाते हैं, एक भी गैप आपको नहीं दिखाई देगा किधर से भी। और रेनी सीज़न के टाइम पे खास करके कभी भी वाटर वगैरह फ्लो होता है, आपको ज़रा सा भी गैप में कभी भी कोई भी फंसेगा नहीं। फोक लाइट्स प्रॉपरली हमने एयर डक्स के साथ इंस्टॉल किए हैं और LED किट्स भी इंस्टॉल की हुई है, लो बीम हाई बीम परफेक्टली पूरा वर्क होता है। अब साइड प्रोफाइल से फिर से आना चाहूँगा, 17 इंचेस के अल्कज़र के अलॉय व्हील, अल्कज़र के जो अलॉय व्हील है दोस्तों इतने आई कैचिंग है, मैंने ही सजेस्ट किया कस्टमर को हमें डायमंड कट हम नहीं लगाएंगे। अगर कुछ डिफरेंट है फिर से मैं बोलूँगा कमेंट करके ज़रूर बताना कि जिस हिसाब से मैंने मॉडिफाइड की हुई है, अपग्रेड की हुई है, क्या इसमें डायमंड कट अच्छे लगते थे तो क्या अल्कज़र के अच्छे लगते थे। जो अल्कज़र के अलॉय व्हील है 17 इंचेस के, जो आई कैचिंग है और वाइल मूविंग, इसका लुक ही अलग है। ORVM मिरर्स हमने कार में इंस्टॉल किए हैं, फेंडर्स में इंडिकेटर लग के आते हैं, उसे रिमूव करके हमने वेंट्स इंस्टॉल किया है। साइड की मैं फिर से बताना चाहूँगा, जो स्किड प्लेट्स गन मेटल कलर की जो आती है, साइड की ओरिजिनल होंडाई जेन्यून की जो क्रोम मोल्डिंग्स आती है, हैंडल क्रोम, हाई इंफ्रारेड हीट रिजेक्शन फिल्म भी हमने ये कार में इंस्टॉल की है। 2-tone ORVM मिरर्स द ऑटोमेटिक विंडो होल्ड्स के साथ है, जैसे मैं अगर लॉक करूंगा तो मिरर्स तो मेरे लॉक हो जाते हैं ऑटोमेटिक, लेकिन विंडोज़ भी 1 by 1 आप देख सकते हैं, लॉक विंडोज़ 1, 2, 3 and 4। कार का कॉन्सेप्ट ही वाइट एंड ब्लैक कलर का कॉन्सेप्ट था, हमने ये जो सिल्वर पोर्शन आता है इसे भी ब्लैक किया हुआ है। एक वाइट एंड ब्लैक कलर के एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, ये कार मेरी वेलार से कम नहीं, लेकिन जितना हो सकेगा उसे वैसा लुक आप दीजिए जो हमने देने की कोशिश की हुई है। फ्रंट एंड बैक एंड साइड की एक जो स्किड प्लेट्स है दोस्तों, इसी से ही लुक ऑफ द कार चेंज हो जाता है।
इंटरनल पोर्शन ऑफ द कार में अगेन ORVM मिरर्स हमने इंस्टॉल किए हुए हैं। प्रॉपरली आप देख सकते हैं, मिरर के लेंसेज भी हमने ये कार में चेंज किए हुए हैं, वो ब्लू कलर के जो ऑटो डिमिंग वाले आते हैं। चारों डोर्स की लेदर पैडिंग गैलेक्सी ब्लैक एंड द सिल्वर डोर हैंडल्स मैक ट्रिम्स के ब्लैक आइस ग्रे हेक्सागन पैटर्न के जो सीट कवर हमने इंस्टॉल किए हैं। जस्ट सी द फिटमेंट एंड द फिनिशिंग ऑफ द सीट कवर दोस्तों। एल्यूमिनेटेड कफ प्लेट्स एंड द टॉप गियर की डायमंड स्टिच मैट्स विद द हनीकॉम अपहोल्ड्स के साथ हमने ये कार में इंस्टॉल की हुई है। एक डायमंड स्टिच का लुक आप देख सकते हैं कि क्या हिसाब से गाड़ी जो एनहेंस होती है हमारी इस अल्टीमेट। सॉफ्ट लेदर स्टेयरिंग रैप, स्टेयरिंग ऑडियो कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, सनग्लास होल्डर, प्लेयर हमने ये कार में 4GB रैम एंड 64GB मेमोरी के साथ इंस्टॉल किया है विद द वायरलेस एप्पल कार प्ले एंड द एंड्रॉयड ऑटो। आप देख सकते हैं चारों भी सिंबल्स परफेक्टली पूरे आते हैं। द ट्रैजेक्ट्री मूविंग गाइडलाइन कैमरा हमने ये कार में इंस्टॉल किया हुआ है। प्रिज्म एक्स का प्लेयर आता है, लेकिन दोस्तों इसकी जो टच की जो क्वालिटी है, जो इसका रिस्पॉन्स है, बहुत बढ़िया है। और ये जो प्लेयर है ये फुल बॉडी वाले आते हैं। इसमें जो भी एंड्रॉयड्स आते हैं वो रेगुलर ही आते हैं, ये फुल बॉडी वाले आते हैं और इसका इफेक्ट भी काफ़ी अल्टीमेट है। चारों डोर्स में इंटरनल एक्सटर्नल प्रीमियम डैम्पिंग की हुई है विद द 4 मर्क्यूरी के कंपोनेंट्स हमने ये कार में इंस्टॉल किए हुए हैं। एम्पलीफायर हमने नहीं इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन फिर से मैं बोलूँगा दोस्तों, साइड प्रोफाइल से, फ्रंट से, बैक से, नो वन कैन टेल यू कि ये क्रेटा ई वेरिएंट कार है। रियर वाइपर, ट्रियो हेडलाइट, टेल लाइट, साइड स्किड प्लेट्स, 17 इंचेस, ORVM मिरर्स, एवरीथिंग जितना हो सका। दो चीज़ की कमी है, एक सनरूफ और ऑटो क्लाइमेट की, लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मुझे सनरूफ नहीं चाहिए, नहीं तो टॉप एंड में चले जाते थे। लेकिन ई वेरिएंट कार एक ऐसी है दोस्तों, जिस हिसाब से आपको चाहिए वो हिसाब से, अपने हिसाब से मॉडिफाई हो सकती है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट से मॉडिफाई हो सकती है। और नो वन कैन जज फ्रंट बैक और साइड से, ये क्रेटा ई वेरिएंट कार है दोस्तों। बहुत दिल से ये कार को हमने बनाया हुआ है, मैं भी ये कार का एक हिस्सा हूँ। मैंने जो जैसे ही स्टार्टिंग में मैंने बोला था, द बेस्ट एवर मॉडिफाइड क्रेटा फ्रॉम विग ऑटो एसेसरीज, क्योंकि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कार में मेरे से कमी रह जाती थी। सीट है तो ग्रैब हैंडल नहीं है, ग्रैब हैंडल है तो चार्जर नहीं है, चार्जर है तो कर्टन्स नहीं है, कर्टन है तो रियर वाइपर नहीं है। ये कार में जितना हो सका एवरीथिंग वी हैव फिटेड इन द कार। क्रेटा फ्रॉम हैदराबाद मिस्टर रेड्डी सर, अल्टीमेट काम किया है। और मैंने वैसे वीडियोस में बोला था द बेस्ट एवर मॉडिफाई मैंने की हुई है इनकी कार। लेकिन एक रिव्यू से स्टार्ट करने से पहले, क्रेटा परिवार, क्रेटा देखो क्या क्या चीजों से हम गुजरते हैं। 37 इयर्स ओल्ड फ्रेंड्स है, क्रेटा माध्यम था। सर ने गाड़ी ली, बोला कि आओ जरा नीचे होके आते हो, और ये मुंबई उठा के लेके आ गए अपने फ्रेंड्स को। तो देखिए, ये ही क्रेटा की रिस्पेक्ट है और प्यार है। सर से एक रिव्यू लेना चाहेंगे और सर का रिव्यू बहुत मायने रखता है हमारे लिए। तो प्लीज सर, कैसा लगा पूरा? बहुत अच्छा। हम क्या बनाना चाहते थे उससे बढ़िया बन गया गाड़ी। हम कोई भी देखा तो कौन सा गाड़ी लेके, कौन सा गाड़ी ले उठा के ना, ये सोचेंगे आगे अगला लेके। तो आप गाड़ियां इतनी खड़ी थी, अट्रैक्शन आपका वाला तो भी आपकी गाड़ी में आके बैठे, दूसरा कौन सा गाड़ी इतनी खड़ी है, लेकिन आप ही की गाड़ी की बात कर रहा है। सही बात है, हर कोई, हर किसी की इच्छा हो रही है अगर मैं क्रेटा लूं तो बनाना है, ऐसी गाड़ी बनाना है, बनाने का है। सर क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा बन गया भैया। कुछ होम टाउन में बोल दीजिए, मेरे को बहुत फोन आते हैं हैदराबाद से। बेसिक मॉडल दिखा वो తెలంగాణ నుంచి, హైదరాబాద్ నుంచి, దాన్ని టాప్ ఎండ్ అంటే యూట్యూబ్ లో తెచ్చాము, సూపర్ క్రీటా అంటే
और आज दोस्तों बिना लाइक किए हुए तो जाना ही मत। मैं फिर से बोलूंगा, नहीं समझ आया तो डिसलाइक करके चले जाना, लेकिन बहुत मेहनत लगती है ये कार को मॉडिफाइड करने के लिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ड्राइव सेफली एंड थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन।